गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मैथ. ओके, सो फर्स्ट टेक आउट योर ट्यूलिप्स एंड इन दैट टेक आउट पेज नंबर 90. ओके, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.2. ओके, 2.2 आज हम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू विद मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एक्सरसाइज 2.2, द क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उसमें कुछ नंबर्स हैं और आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है अंडरलाइन डिजिट की. जिस डिजिट को अंडरलाइन किया है उसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है. और प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है कि वो वंस प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस पर है या टेंथ प्लेस पर है, आपको वो लिखना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 326. कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? 326. और अंडरलाइन किसको किया गया है यहाँ पर? 2 को. और आपको क्या बताना है? 2 की प्लेस वैल्यू. ओके, सो आपको पता है ये 6 तो वंस प्लेस पर है और ये 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर. एंड दिस 3 इज एट हंड्रेड प्लेस. आपको पता है ना स्टूडेंट्स? सो ये 2 कौन से प्लेस पर हुआ? यस, टेंस प्लेस पर. ओके, तो आपके पास यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? यस, 2 टेंस मीन्स 21 होता है ना, 2 टेंस मीन्स 21. तो आपको यहाँ पर 2020 लिखना है. और आप सिंपल आपको अगर सीखना है तो स्टूडेंट्स, 2 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतनी ही जीरो आएंगी. जैसे 2 के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली 1, 6 है ना यहाँ पर, तो 2 के बाद आपको 10 लिखनी है. ठीक है, 2 टेंस मीन्स 21. नाउ इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? पूरा लिखना है. क्या लिखना है? 2 टेंस. ओके, सो राइट हियर 2 टेंस, 2 फिर टेंस का स्पेलिंग टी ई एन एस, टेंस. ओके, सी 20 और 2 टेंस, आपको ऐसे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो 738. नाउ 8 के नीचे अंडरलाइन है, आपको 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. ओके, सो 8 इज एट, वेरी गुड, वंस प्लेस. और 8 ए यहाँ इस बॉक्स में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 8 ही लिखना है, उसके पीछे कोई जीरो नहीं लिखनी है. ओके, 8 वंस मीन्स 8. ओके, एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 8 वंस. सो राइट डाउन 8 वंस, 8 वंस. ओके स्टूडेंट्स, डन, वेरी गुड. नाउ नंबर 3, 647. अभी अंडरलाइन डिजिट कौन सा है? 6 है. और 6 कौन से प्लेस पर है स्टूडेंट्स? सी वंस, टेंस, हंड्रेड. 6 कौन से प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है ना, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? वेरी गुड, 600. मैंने आपको बताया था ना जीरोस कितनी लगेगी, जितने पीछे डिजिट्स हैं, 1, 2 है ना, तो 2 जीरोस. ओके, 600. 6 इज एट हंड्रेड प्लेस, 600 प्लेस पर है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 600. ओके, और इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? 600 ही लिखना है, लेकिन 100 का स्पेलिंग. ओके, 600, एच यू एन डी आर ई डी, 600. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 910. अभी जीरो की प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, तो जीरो कौन से प्लेस पर है? यस, वंस प्लेस पर. इट मीन्स वी हैव जीरो वंस. कितने वंस है हमारे पास? जीरो. तो आपको यहाँ पर सिर्फ जीरो लिखना है, जीरो वंस. और यहाँ पर यस, जीरो वंस. ओके, जीरो वंस ऐसे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जीरो है और जीरो वंस है, तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर जीरो वंस. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 5, 259. नाउ 2 की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है. अभी तो आपको आ गया होगा कौन से प्लेस पर है 2? यस, 100 के प्लेस पर. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200. ओके, देन यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको 200 लिखना है और यहाँ पर यस, 2 लिख के 100 का स्पेलिंग, 200. बोथ आर सेम स्टूडेंट्स, 200, एच यू एन डी आर ई डी, ये दोनों सेम ही होते हैं. हम 200 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, है ना. देन लास्ट स्टूडेंट्स 888. नाउ टेल मी 8 की प्लेस वैल्यू. देखो तीनों जगह 8 ही लिखा है, लेकिन तीनों की प्लेस वैल्यू डिफरेंट है. दिस 8 इज एट वंस प्लेस एंड दिस 8 इज एट टेंस प्लेस एंड दिस वन इज यस एट हंड्रेड प्लेस. सो ये वाला 8 कौन से प्लेस पर है? यस, टेंस प्लेस पर. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 8 टेंस मीन्स
एट्टी वंस, ठीक है, 8080 मैंने बोला था ना, इसके पीछे जितने नंबर लिखे हैं उतनी जीरो, तो एट के बाद कितने डिजिट हैं, वन डिजिट, तो 10, ओके। एट टेंस मीन्स 81 और एट टेंस, ओके स्टूडेंट्स, डन, गुड। तो स्टूडेंट्स आपको भी 2.2 अपनी ट्यूलिप्स की बुक में कंप्लीट करना है एंड प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझना है, ओके, थैंक यू।